यूएसपी के वॉशरूम है ना वो थर्ड क्लास किस्म के, ना तो यहाँ पे इशू रोल है, ये देखिए ये भी खाली है, और ये अभी के हाल चेक करें। मैं तो कहूँगा जो है ना गवर्नमेंट स्कूल उससे उसके जो है ना वॉशरूम इससे अच्छे होंगे। तो अरे बस कर, रुलाएगा क्या? फ्रेंड्स क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग ऑन दिस चैनल, और आज का डे बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने MBA के एडमिशन के लिए UCP लाहौर में। मेरा BBA हो चुका हुआ है तो आज जो है एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो यही जो है वो जहन में है कि 2-3 यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे और जो बेस्ट लगे उसमें एडमिशन लेंगे। आइए चलते हैं लाहौर। इस टाइम हम जो है यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, अभी हम पार्किंग में हैं और अभी हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे एडमिशन ऑफिस है, और ये अभी हमें पार्किंग में, ये देखें आप ये सारी पार्किंग है, और यहाँ से हम जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि ऊपर क्या चीज़ है। ऊपर जा रहे हैं, ये इनकी स्टेयर है और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। नीचे ग्राउंड में पार्किंग थी, हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं पार्किंग से, और अभी हमारे वाशरूम में मुँह वगैरह धोना था, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है ना, जो UCP के वाशरूम है ना वो थर्ड क्लास किस्म के, ना तो यहाँ पे इशू रोल है, ये देखिए ये भी खाली है, और ये अभी के हाल चेक करें। मैं तो कहूँगा जो है ना गवर्नमेंट स्कूल उससे उसके जो है ना वॉशरूम इससे अच्छे होंगे। तो अभी देखते हैं बाकी यूनिवर्सिटी क्या हाल है, लेकिन फर्स्ट हमारा जो है हम आए हैं टॉयलेट में, और ये इंतहाई गंदे हैं यहाँ पे, ना तो लाइक कि कुछ आपके वैक्यूम वगैरह जो है इनको लाइक के साफ करने के लिए, ना ही इनके टॉयलेट साफ हैं, और ना ही इनके पास किसी भी किस्म का टिशू मौजूद है। अब बाहर जाते हैं, देखते हैं कि बाहर एडमिशन ऑफिस में क्या सूरत हाल है। आइए चलते हैं। ये तो एडमिशन ऑफिस समझ के तुमने बताया, ये तो जो यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन हो चुके हैं हमारा, ये इनका सेंटर है, उनके लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका सेंटर है, और एडमिशन ऑफिस जो है वो बैक साइड पे। अभी हम बैक साइड पे जा रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने पूछा है कि न्यू एडमिशन लेना है MBA में, क्योंकि अगर मैं BBA यहीं से करता तो फिर तो ये मुझे उन्होंने प्रोवाइड करने की इन्फॉर्मेशन लेनी, चूँकि नया एडमिशन है, सो इस वजह से जो है ना मैं अभी एडमिशन ऑफिस जाऊँगा और वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस टाइम हम मौजूद हैं UCP की लॉबी में, और अभी हमें जो है एडमिशन फॉर्म जो है एडमिशन ऑफिस में गए थे तो उन्होंने हमें जो है ना ये एक स्लिप दे दी है, और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना अपनी बारी का इंतज़ार करें। अभी जो सामने जो नंबर चाह रहे हैं ना, वो चाह रहे हैं तकरीबन हमारा 1060 है ना, यहाँ पर नंबर चाह रहे हैं 1020-1025 पे चाह रहे हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं, और उसके बाद अब जाएँगे और वो बताएँगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और आपका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। अभी हम अपनी बारी का इंतज़ार करें, उसके बाद देखते हैं कि हम हमारा कौन से बोर्ड पे जो है ना वो हमारा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 5-6 जो है ना वो बने हुए हैं कैबन्स, और वहाँ पे 1 by 1 नंबर जो है वो जब आगे एक बच्चा चले जाता है फिर एक नंबर आगे काउंट हो जाता है, उसमें ऐड होता है, फिर वो अगले बंदे की नेक्स्ट जो है जो भी आपका आया हुआ है कैंडिडेट पता करने के लिए एडमिशन के बारे में वो उसका नंबर आ जाता है। अब देखते हैं कि हमारा किस बोर्ड पर या किस कैबन पर हमारा नंबर आता है। तो गाइस हमने जो है ना वो MBA का पता कर लिया, एडमिशन हो रहे हैं, और एक तो इनका एंट्री टेस्ट जो है वो होगा इस अगस्त की 25 को, और फिर चला जाएगा एक होगा सितंबर के मिड में जाके, और इसमें ये है कि इन्होंने बताया कि आपका ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन जो अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा जब आप एंट्री टेस्ट में अगर आप मेरिट लिस्ट पर आ जाते हैं, फिर आपकी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे, फिर आपको कैंपस में आने की जरूरत पड़ेगी। और जो क्लासेज हैं वो अक्टूबर में जो स्टार्ट होंगी, 1.5 ईयर का MBA है, और अगर आपने करने हैं रेगुलर के अंदर, एक रेगुलर में है तो एक है क्या नाम है शाम को, ठीक है, उसमें क्या होता है वीकेंड पे क्लासेज होती हैं, और इसके पर होता है कि आपका 3 सब्जेक्ट हैं MBA में, लेकिन अब जो है ये 4 सब्जेक्ट हो गए हैं रेगुलर के, और अगर आपने करना है रात को लाइक के वो होंगी क्लासेस 6 से लेके 9 बजे तक, 6 से 9:40 तक होंगी, और उसमें यह है कि आपकी सिर्फ वीकेंड क्लासेज हुआ करेंगी, और रेगुलर में जो है वही है कि आपकी 4 डेज क्लासेज होंगी, और फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होगा, और फीस स्ट्रक्चर इन्होंने बताया कि जो आपकी फ़ीस है ना
एक सेमेस्टर की वो होगी 1,00,000 और तकरीबन 60,000 रुपये होगी, और इसमें 25,000 जो है एडमिशन फीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है फिर आपके जो दूसरे दो सेमेस्टर हैं वहाँ पर आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। और अगर आप 3 से ऊपर अपना CGPA मेंटेन करते हैं ना पहले सेमेस्टर में, तो क्या हो जाएगा कि आपको जो है वो 25% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको मज़ीद जो है कंसेशन वगैरह होने शुरू हो जाएगी। अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और देखते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है।